आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद के लिए चुनौती दी है और अब इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और सुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा, और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना, नागराज तक्षक के सेनापति अश्वसेन बाण पर बैठकर प्रहार करने वाले अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए पांडव प्रस्थ के दहन के प्रतिकार के लिए सावधान रहना पार। जाओ अश्वसेना, अर्जुन का वध कर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। कीजिए अंगराज, यही अवसर है, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो।
इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो। कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए माता, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज, कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। अट्ठानवे श्री, मेरी रक्षा कीजिए। बिना मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मामा श्री, मेरी सहायता कीजिए मामा श्री। प्रशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, बाबा भाग जाओ, भाग जा, भाग भाग जा। तो सुन, मैं कहता हूं रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत झुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं, और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। हम दोनों में से किसी एक को तो अपने मार्ग से हटना होगा भीम, और इसका परिणाम केवल द्वंद से निकलेगा। तो आ जाओ भीम। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। Thank you.
सत्यसेन, सत्यसेन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ, चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है, आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ, मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम, इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना, अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण खो बैठोगे। वाह विक्रोधर, वाह क्या दृश्य है। मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन, क्रोध आ गया भीम, क्रोध। क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी हबी हो, नहीं तुम्हारी अर्धांगनी। इस समय तुम्हारी अर्धांगनी है या भाभी? एक एक बाह काट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था अंगराज, उचित कहा था। वैश्य, वैश्य मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्रहरण करूं। विक्रोधर बार बार वस्त्रहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन, दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण, इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो, स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा।
यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति कर्ण, मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है?